अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम मज़ेदार सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं उसका नाम है शाही टुकड़े। शाही टुकड़े पाकिस्तान का बहुत ही ट्रेडिशनल सा मीठा है जो हर इवेंट पे बनाया जाता है, चाहे ईद हो या कोई डिनर पार्टी हो, कोई लंच पार्टी हो, तो हर किस्म के इवेंट्स पे यह अक्सर मीठे के तौर पे बनाया जाता है और लोग इसको बहुत शौक से खाते हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में शाही टुकड़े बनाना सिखाएंगे। चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देखेंगे कि शाही टुकड़े में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। मैं यहाँ पर ज़्यादा लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं सारी चीज़ें जो हैं वो डबल रेशो में ले रही हूँ। आप इसको अपने लिहाज से सिंगल रेशो में भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 2 लीटर मिल्क ले रहे हैं, ब्रेड के 16 स्लाइसेस लेंगे, 1/2 कप शुगर लेंगे, 1/2 कप ही बर्फी लेंगे, 2 टीस्पून वनीला एसेंस लेंगे, 6 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे, 3 छोटी इलायचियाँ लेंगे, 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर यूज़ करेंगे, 1 कप हॉट वाटर ले लेंगे, थोड़े से पिस्ते ले लेंगे कटे हुए और थोड़ी सी बादाम ले लेंगे कटी हुई। अब शाही टुकड़े बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक देगची लेकर इसमें मिल्क डाल दिया है। अब साथ ही हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे, छोटी इलायची ऐड कर देंगे, येलो फूड कलर ऐड कर देंगे, थोड़ी बादाम ऐड कर देंगे, थोड़े से पिस्ते भी डाल देंगे और हॉट वाटर ऐड करेंगे। अब इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें वनीला एसेंस भी ऐड कर लेंगे। अब इसको अगेन मिक्स करेंगे और 20 मिनट्स के लिए हम दूध को लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। अब 20 मिनट्स के बाद हम इसमें बर्फी ऐड करेंगे। अब 5 मिनट्स इसको और कुक करेंगे और फिर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अब 5 मिनट्स के बाद हम कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड करें पानी में डिजॉल्व करके। मिल्क यहाँ पर बहुत अच्छे से कुक हो गया है। इसकी थिकनेस जो है वो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं करना है। अब हम ब्रेड को फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। अब एक फ्राई पैन में मैंने घी डाल लिया है, आप चाहें तो इसमें ऑयल भी ले सकते हैं। अब इसमें ब्रेड के पीसेस डाल के फ्राई करेंगे। रिमेनिंग ब्रेड पीसेस को भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर ब्रेड के सारे पीसेस फ्राई हो गए हैं। नाउ इट्स रेडी टू सर्व।